गाइस कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से करने जाए माइनक्राफ्ट। आप सभी लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम नेदर में गए थे और एंशिएंट डेब्रिस फाइंड किया था। थोड़े टीएनटी ले गए थे तो मैंने सारे फोड़ दिए और इसमें है थोड़े से नेदर एग्स। मैं इसे मुझे याद नहीं था कि मैं सिल्क टच वाले ले गया था, लेकिन मैं उससे भी तोड़ सकता था तो ये डायरेक्ट बन जाते। लेकिन मुझे पता है आपको कितने एंशिएंट डेब्रिस मिले, उससे मैंने पूरा का पूरा फर्नेस में डाल के कर दिया है। तो ये देखो गाइस 36 नेदराइट स्क्रैप्स। अब इसके इंगट देखते हैं कितने बनते हैं, फिर हमें पता चलेगा ना। तो हाँ, इसके इंगट बनाने के लिए थोड़ा सा गोल्ड चाहिए। थोड़ा सा गोल्ड भी मुझे मिल गया था और बहुत कुछ। तो तीन ले लेते हैं, अभी तीन ब्लॉक्स हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो फटाफट से बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 6। ओके, 6 बन रहे गाइस इंगट। तो 3 4 5 6 और बच्चे और भी बनेंगे भाई साहब। एक और लेता हूँ ब्लॉक और अब मैं इंगट बनाता हूँ इसके भी, और 3 भाई साहब 8 9 गाइस। ये देखो ब्लॉक ऑफ नेदरराइट बन जाएगा। लेकिन हमें तो नेदरराइट का माल बनाना है ना, सारा पूरा आर्मर पूरे वेपन्स में लगाना है, तभी तो मज़ा आएगा। तो फटाफट से अब मैं निकलता हूँ, बहुत मेहनत लगी थी यार। स्मिथिंग टेबल जाना होगा उसे लगाने के लिए। मैं अपने ये आर्मर को निकाल लेता हूँ पहले। तो आर्मर डायमंड का अब नेदरराइट का होने वाला है, बहुत ही ओपी मजा आने वाली है। हटो जगह, चलो ये का इधर डालो पहले। मैं अपने आर्मर में लगा देता हूँ ये 1, ये 2, ये 3। कितनी मस्त आवाज़ आ गई है। 4 फुल नेदरराइट आर्मर। अब अपने स्वॉर्ड, अपने पिकैक्स, अपने इसमें भी लगा ही देता हूँ, क्या टेंशन। और इसमें भी, चलो भाई साहब 1 नेदरराइट का इंगट रह गया बस, उसे मैं छोड़ देता हूँ। आई एम द नाउ प्रो। अब देखते हैं क्या लुक आती है अपनी। वो में लगता है क्या नेदरराइट, पता नहीं मुझे, शायद नहीं लगता होगा मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं लगता है, चलो कोई नहीं। अब फटाफट से मैं इसको थर्ड पर्सन करते हैं और देखते हैं कैसी लुक आती है एक्जैक्टली। देखते हैं क्या लुक आती है। मजे 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 मजे, जल्दी खुल गए। हाँ चलो खुल गया वीडियो फर्स्ट फ्रंट। और गाइस जस्ट अपनी लुक देखो यार, क्या ओपी लुक आ गई है हमारी नेदरराइट के आर्मर में, फुल नेदरराइट आर्मर। गाइस क्या ओपी लुक है, मजा आ गई यार। मैं तो सोच रहा हूँ आज इतनी वीडियो लगे, फुल नेदरराइट आर्मर है यार, बहुत ओपी। थोड़ा खा लेते हैं। और गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एंडर ड्रैगन के लिए मैं थोड़ी एंडर आई वगैरह कलेक्ट कर दूँ। ये क्या गया, थोड़ी सी एंडर आई वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि अच्छा आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि नीदर में जाए, नीदर फोटोज ढूँढना। चलो तो नीदर फोटोज तो ढूँढेंगे ही पक्का ही होता। अभी हमारे पास इतनी नेदर आई है, मतलब एंडर आई है, हमें और थोड़ी कलेक्ट कर लेता हूँ। और 16 हो जानी चाहिए। तो हम कौन बेच रहा था अपना, वो कहाँ गया। हाँ ये रहा, कौन दे रहा था साहब ये का। अब इससे मुझे ये लेना है बगल, तो थोड़ी सी ले लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 बस इसने तो बंद कर लिया अब देना ही। चीटर से ट्रेड करता हूँ। 14 ओके ओ गाइस इतनी तो हो जाएगी शायद से। चलो बहुत हो गई भाई साहब। अब ये ग्लो डस्ट पाउडर से मैं ग्लो स्टोन भी बना सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, वो मर जाएगा गाइस, वो मर जाएगा। अरे यार वो मर गया यार। नहीं नेदरराइट की स्वॉर्ड है, उसे अब मैं अंदर ही रखूँगा यार। वो चलो अच्छा हुआ, वो तो कार्टोग्राफर था, वो तो बच गया। और गाइस हाँ, मुझे वो एक और चीज़ बतानी थी कि मुझे एक और स्पॉनर मिला है। इस वर्ल्ड में बहुत सारे स्पॉनर है, अब इसे मार के देखे यार। लेकिन ये अच्छा घोड़ा है, नहीं मारता मैं इसे। चलो इधर ही कहीं पे था मेरे हिसाब से भाई साहब। अपनी ये तो देखो यार कितनी ताकतवर हो गई है, बस इधर ही कहीं पे था। अब तो मुझे डैमेज भी नहीं आ रहा यार। हाँ ये का चलो
जगह तो यही है, मुझे स्पॉनर कहाँ दिखा था। हाँ ये रहा, चलो साहब एक टॉर्च लगाओ इधर, ये रहा। मैंने इधर पहले से ही टॉर्चेस लगा दिए, इसमें क्या होगा। ओ भाई साहब, और थोड़ा मजे है, मतलब तो हमारे पास नीदर लाइट का है भाई, क्या टेंशन है। और गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी पिलेजर्स के भी वहाँ जाए और सब कुछ लूट के आए, उनके पास से भी अपना झुकता भी सामान था वो सब। चलो ये भी लूट लिया मैंने, अब इधर कभी बनाएंगे अपना। अभी रहने देते हैं, अभी अपना निकलते हैं ऊपर। अभी मैं रहने दे रहा हूँ इधर, कुछ नहीं बना रहा मैं। अब तो हमें डायरेक्ट स्टोन ही मिल रहा है, तो कोई टेंशन भी लेने की। मैं कोई सामान नहीं लाया क्या, ऐसे ही आ गया मैं तो यार, मुझे मास हूँ मैं भी। और मैं डायरेक्ट विलेजर्स पे हमला करने वाला हूँ एक ही बार में गए। चलो फटाफट से मैं पहुँचता हूँ। हाँ और गाइस वो ह्यून पोर्टल भी मुझे देखना है, उसमें क्या मिलता है हमें वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। और बहुत दूर नहीं है, मैं घोड़े को ले जाता लेकिन अब इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे भी ले जाऊँ, तो मैंने सोचा छोड़ो। चलो तो ये आ गए, पहले तो हमें ये चाहिए, तो पहले मैं चेस्ट देख लेता हूँ। ओ भाई साहब, अनब्रेकिंग वन, शार्पनेस थी, इतने सारे गोल्ड के नगेट्स मिल गए। चलो भाई ऑब्सीडियंस भी मिल गए, अच्छे खासा ऑब्सीडियंस है इधर तो। फ्लिंट भी है इधर भी, फ्लिंट एंड स्टील भी है, चलो बहुत ओपी। अब ये दो गोल्ड के ब्लॉक्स को आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। अबे कुछ नहीं होगा यार, मत करना, इसे थोड़ा आराम से कलेक्ट करता हूँ। इसके नीचे लावा होगा, पता ही था। चलो इसे बंद कर दो, अब बहुत टाइम नहीं है, अब मुझे ऊपर वाले को तोड़ना है। तो ऊपर के भी लिए ऐसे ही जाते हैं, बस पहुँच नहीं आया। ऐसे इधर ही सही तोड़ देता हूँ, मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, वही बज गया, अभी लाओ में घुस जाता वरना मैं। अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं थी, अब हमारे पास और दो गोल्ड के ब्लॉक्स आ गए। अब हम फटाफट से पहुँचते हैं पिलेजर्स टावर, मैं फटाफट से पहुँचता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हो, हम पिलेजर्स टावर पहुँच चुके हैं, जिसको पूरा लौट के जाऊँगा, धड़ाधड़ मार दूंगा सबको। इनके लिए तो मेरे पास चुंडी जैसा इनको मारना था। ओह इधर क्राफ्टिंग टेबल भी, आ जा भाई। कौन है कौन है, क्या है? अबे तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, हट बे। मेरी वो देखिए कितनी पावरफुल है, हट तेरी तो भैंस की टांग। मुझसे लड़ने आया था, इसके गोलम को भी आज़ाद कर लेते हैं, ये बेचारा पड़े पड़े सड़ गया होगा। चल बे आ जा, चल आ जा, चल कम ऑन कम ऑन बेटी। तो फटाफट से अंदर घुसते हैं, देखते हैं क्या है। तो गाइस मैंने इस वाले गोलम को भी आज़ाद कर लिया है, अब वो कौन है मुझे देखना है। वो एक और है उधर, आ जा आ जा, हट तेरी तो टाइम पास। इधर तो कोई नहीं है यार, ये गोलम को भी मार लूँ क्या? सोच तो मैं ऐसा ही रहा हूँ कि इसको घर ले जाएंगे। इधर मैंने उस बार एड की थी इसलिए अभी कोई नहीं है, लेकिन ये लोग का यही स्पॉन अड्डा रहता है, तो ये लोग अभी तक स्पॉन क्यों नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आया। चलो होगा कुछ इनका मामला, अब ऊपर कैसे जाऊँ। अच्छा ये वही सीढ़ियाँ मुझे दिखी नहीं पहले। गाइस आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में निदर फोर्ट्रेस ढूंढेंगे। और ये गई इधर चेस्ट, ओ भाई साहब इतने सारे बटेटे। चलो अब तो पोटेटो फार्म बना ही देंगे इनके लिए। अब ये क्या है, डार्क ओक वुड, ये हमें अगर किसी भी काम की तो नहीं है, लेकिन मैं ले लेता हूँ, क्या पता कोई दिन काम आ जाए। चलो आयरन है, आयरन भी ले ही लेते हैं, क्या पता काम आ जाए। ये कुछ इतना ढंग का सामान नहीं है इनके पास, मुझे तो लगा था बहुत अच्छा सामान होगा। चलो भाई कोई नहीं, और वो गोलम कहाँ गया? अच्छा होगा, बोलो भाई पानी बाद में दड़ा रहा है क्या यार। ये गोलम को मार ही देते हैं, हट में खाली खुट्टी का, इधर क्यों आ गए, हट। अबे मर भी जा क्या यार, नूबड़ा क्या गुंडा बनेगा। चलो भाई इतने सारा सामान हो गया, मैं गोलम को मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा अब ये रह के भी क्या करेगा, तो मैंने मार लिया। और ये हमने कवर बनाया था, तो ये भी तोड़े देते हैं, अब क्या काम का, अब कुछ काम नहीं है इसका। गाइस अब तो हम अमीर हो चुके हैं यार, नीदर लाइट का फुलामर, क्या यार मजे मजे आ गए। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ ओनली 50 लाइक्स के लिए, कोई एम नहीं करता, आप लोग कर देना। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
गुड बाय। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में।